Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नवाज शरीफ रवा साल पाकिस्तानी अदालतों में पेश नहीं होंगे। वापसी का शेड्यूल फिर तब्दील। 6 जनवरी 2018 को लंदन से रवाना होंगे, 7 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। धरना ग्रुप की अवाम दुश्मन पॉलिसियां पूरी कौम के सामने आश्कार हो चुकी। शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा माजी में कौमी वसाइल पर डाके डाले। तवानाई मंसूबों के नाम पर पीपल्स पार्टी ने घिनौना खेल खेला। इमरान खान खुद को कौमी रहनुमा कहते हैं मगर बातें निचले दर्जे की करते हैं। मौला बख्श चांडियो की आज न्यूज से गुफ्तगू। ये भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इदारे सबके लिए एक जैसा रवैया रखें। हुक्मरान जमात को मुल्क का नहीं सिर्फ अपना ख्याल है। इमरान खान की कराची में मारूफ स्टॉक ब्रोकर अकील करीम डैडी से मुलाकात, एक साथ नाश्ता तनावल किया। अमरीका अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उसने अफगानिस्तान में क्या कारनामे सरंजाम दिए हैं। मामला धमकी से नहीं सुलह की जबान से तय होंगे। ख्वाजा आसिफ की बीबीसी से गुफ्तगू। ये भी कहा पाक अमरीका एतमाद का फुकदान रातों रात खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से सर उठाकर निकलेगा। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कोई पनाहगाह नहीं। ये बात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बता दी है। आज न्यूज से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रेक्स टिलरसन पर वाज़े कर दिया कि खित्ते के मसाइल अमरीका के पैदा करदा हैं। अमरीका अफगानिस्तान में अपनी रिट कायम करे और मुहाजरीन की वापसी का बंदोबस्त करे। अफगान सदर अशरफ गनी भारत में भारत की भाषा बोलने लगे। पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ अमन कोशिशों का सिला दहशतगर्द हमलों की सूरत में मिला। भारत के साथ एयर कॉरिडोर की वजह से कोई भी ट्रांजिट ट्रेड बंद करने की धमकी नहीं दे सकता। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन आज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। दिफाई तावन और खुत्ते से मुतालिक उमूर पर बात होगी, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। भारतीय फौज की एक बार फिर सी फायर मुहाइदे की खिलाफ वर्जी। वादी लीपा और कैसर कोट में शहरी आबादियों पर बिना इश्तियाल फायरिंग, 2 खवातीन शहीद, 6 अफराद जख्मी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमाने का फैसला। कंदील बलोच केस में मुफ्ती अब्दुल कवी कितना झूठ और कितना सच बोल रहे हैं। लाहौर में आज मुफ्ती साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। NA4 पेशावर में जिमनी इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। हल्के में दफा 144 नाफिस। पोलिंग स्टेशन की हदूद में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी आए। हैदराबाद के इलाके हाली रोड पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग। MQM पाकिस्तान के मकामी रहनुमा नौशाद शेख कत्ल, लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। हरिपुर में निजी फैक्ट्री की भट्टी में गैस के इखराज से धमाका, 25 मजदूर जख्मी हो गए, 2 की हालत नाजुक। गुजरावाला में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में एक भी टीचर दस्तियाब नहीं। तालीम की राह में हाइल रुकावटें दूर करने के लिए तालिबात का एहतजाज। एक टीचर दो दो पीरियड ले रहे हैं, फिर पीरियड भी ठीक नहीं हो रहे, तो सफाई भी नहीं है और डॉग्स फिरते हैं कॉलेज में पीछे पार्ट देते हैं। हम अपने टीचर्स चाहते हैं ताकि हमारी डेली क्लासेस स्टार्ट हों।